हेलो दोस्तों वेलकम टू एचपी स्टडीज आप सभी का स्वागत है हिमाचल प्रदेश के नंबर वन चैनल में तो देखिए अभी वेडनस डे को आपकी एक मीटिंग हुई है एच पी कैबिनेट की और जिसमें कई सारे जो है बिग डिसीजनस जो हैं वो लिए गए हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो भी एक्सपीरियंट जो है वो हिमाचल प्रदेश के एग्ज़ाम्स की जो है वो तैयारी कर रहे हैं ये साल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैं अपने लाइव सेशन्स में और अपने बैचेज़ में भी ये बात बोलता हूँ कि ये अपॉर्चुनिटी आपके पास बार बार नहीं आएगी सरकार के ऊपर दबाव भी है कि उनको ये पोस्ट निकालनी ही पड़ेंगी और वैसे भी काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से ये पोस्ट जो है वो वैकेंट जो है वो चल रही हैं तो सरकार इनको फिलअप करने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर देगी तो हम यहाँ पे डिसीजन तो देखो बहुत सारे जो है वो लिए गए थे बट इसमें हम इंपॉर्टेंट डिसीजन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हैं उन्हीं को यहाँ पे डिस्कस जो है वो करेंगे तो देखिए जो डिसीजन जो यहाँ पे लिया गया है अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊँ तो सबसे पहले जे ओ आई की बात मैं यहाँ पे करता हूँ कि हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की जो बुधवार को मीटिंग हुई है सुखविंदर सिंह सुक्खू के अंडर जो हमारे सीएम है इस बैठक में इन्होंने ये फैसला लिया कि जो जे आई आई आठ की जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की बुधवार को प्रदेश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी तो मतलब जल्द ही आपको जो है वो 817 का जो है वो आपको रिजल्ट जो है वो देखने को मिल सकता है अब देखिए ये एक तरीके का इलेक्शन से पहले या तो कोई लड्डू है जो बच्चों को दिया जा रहा है ताकि एक तरीके से इलेक्शंस में इनको फायदा हो इसका या फिर ये एक जेनवन भी है तो कैबिनेट का अगर डिसीजन है तो ये फाइनलाइज जो है वो आपका हो ही जाएगा वैसे तो तो कैबिनेट बैठक में जो है टी आठ सौ के लिए गठित मंत्रिमंडल उपसमिति की सिफारिशों को स्वीकृति देते हुए चयन आयोग हमीरपुर को परिणाम घोषित करने का प्रक्रिया आरंभ करने के लिए अधिकृत किया गया तो मतलब जो आपका एच है राज्य चयन आयोग हमीरपुर को जो है वो जिम्मेदारी दी गई है कि अब वो जो है वो आपके लिए रिजल्ट जो है वो निकालेगा तो ध्यान रखिए जो भी 817 का जो वेट कर रहे हैं तो जल्दी ही आपके जो है वो रिजल्ट जो है वो घोषित किया जा सकते हैं बायद एच के द्वारा ही घोषित जो है वो किए जाएंगे विजिलेंस पेपर लीक के इस मामले की जांच कर रही है और जिन लोगों को ये पेपर मिला था वे सात पद खाली रहेंगे और जेओ का परिणाम घोषित ना होने पर अभ्यर्थि प्रदर्शन कर रहे थे और मुख्यमंत्री इन्हें राहत देने की बात कही थी तो ये फाइनली जो है डिसीजन के लिए जो कैबिनेट में जो है वो डिसीजन ले लिया गया है ठीक है तो अब आगे देखते हैं कि कब तक ये रिजल्ट जो है वो ये निकालेंगे इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो वैकेंसीज की बात जो यहाँ पे की जा रही है देखो आपने देखा होगा कि अभी एचपीएससी बी का क्लरिकल की नोटिफिकेशन जो है आपकी निकली हुई है एच पी अलाइड की भी आपकी जो है वो नोटिफिकेशन आउट है दोबारा आप इसको फॉर्म को जो है भर सकते हैं लास्ट डेट जो है वो 27 मार्च जो है वो है तो एच पी की साइट पे जाके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं एच पी की ऑफिशियल साइट पे जाके आप क्लर्क का एग्जामिनेशन जो है भर सकते हैं तो इसके साथ साथ इस कैबिनेट में एक और डिसीज़न लिया गया कि जो होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग है वहां पे आपको ड्राइवर्स की आपको 113 पद जो है वो देखने को यहाँ पे मिलेंगे इसको स्वीकृति दे दी गई है और एक और सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपके सभी बच्चे जो है वो भरते हैं दैट इज एच पी सेक्रेट्रिएट में या फिर एच पी सचिवालय में आपकी 50 क्लरिकल की पोस्ट जो है वो उसको भी मंजूरी दे दी गई है तो जल्द आपको ये पेपर भी देखने को मिल सकता है पहले वाला पेपर जो था उस पर भी जो है इंक्वायरी जो है वो आपकी बैठी थी बट ये 50 पोस्ट जो इन्होंने दी हैं और इसके साथ साथ आप अभी पता नहीं है कि इसमें और भी जो है वो एडिशन जो है वो ये कर सकते हैं और ये पेपर बहुत आसान होता है आपका एक पेपर होगा और उस पेपर के बाद आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपकी सिलेक्शन होती है बट अभी एच जो है वो इस पेपर को किस तरीके से लेता है और दैट इज़ आपका सी करवाता है या फिर उसके बाद आपका पेपर होता है ये सब की सब चीज़ें जो हैं ये फ्यूचर में हमारे को पता लग जाएंगी कि पेपर जो है वो किस तरीके से होगा तो देखो यहाँ पे अगर आप एचपी पी की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो मेन जैटिंग स्कोरिंग जहाँ पे आपकी साइड आती है जैसे हिंदी हो गया रीजनिंग हो गया इंग्लिश हो गया और जी वाला सेक्शन हो गया खासकर आपको यहाँ से क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिलते हैं और आप बड़े आसान से अगर अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आप आराम से इस पेपर को क्लियर भी कर सकते हैं कम्पिटिशन तो होता है अब आप सभी पेपर में बच्चे वेट कर रहे हैं चार सालों से वेट कर रहे हैं तो कम्पिटिशन तो आपको दिखेगा क्योंकि मुझे कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम तैयारी कर जाएंगे जैसे एचपीएससी भी क्लरिकल का जो पेपर आपका अभी आया है अभी फॉर्म फिलिंग हो रही है तो इसमें बच्चे कहते हैं कि सर मिड मई में हमारा पेपर होगा तो दो मंथ में क्लियर हो जाएगा देखो पेपर क्लियर आप कर सकते हैं दिस इज नॉट अ थिंग आपको बस मेहनत ज्यादा करनी है क्योंकि आपको सेवन टू एट आवर्स जो है वो डेली देने हैं प्रैक्टिस के ऊपर सारी गेम है क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे बैंकिंग के पेपर में खासकर आई बी पी एस ले रहा है तो प्रीलिम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्पीड पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है आपको ये पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कैसे करना है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन

फिलअप जो है वो होगा कि उसी के बाद आपकी नोटिफिकेशन आएगी बट इस साल ये जो साल आपका 2024 है इसमें कई सारी वैकेंसीज़ जो हैं वो आपको मिलेंगी कई सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी बहुत सारा सिलेबस जो है वो सेम है तो तैयारी अपनी करते रहिए और एग्जामिनेशन जो अब आएगा, आएगा आपके तो आराम से आपकी तैयारी भी फुलफिल जो है वो हो जानी चाहिए ठीक है ठीक है तो ये था आपकी आज की इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करनी थी इसके साथ अगर एच पी एलाइड की अगर आप हमारे बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो 18 मार्च से हमारा बैच फिर से स्टार्ट हो रहा है दैट इज़ इट इज़ ए ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच अगर आप हमारा लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आपको निम्बस करियर्स ऐप में मिल जाएगा लाइव बैच वन और टू दोनों बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं प्री और मीन्स दोनों की तैयारी आपकी कराई जाएगी आंसर राइटिंग वगैरह सब कुछ इसमें होगा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस क्वेश्चन स्पीड एफ नोट्स वीडियो लेक्चर्स कुछ इसमें मिलेगा रिकॉर्डेड बैच की फीस जो है आपकी नाइन थाउजेंड फॉर द टू ईयर टू ईयर्स की वैलिडिटी और ध्यान में रखना एनटी की 19 पोस्ट आपकी सरकार के ने मंजूरी जो है वो एक तरीके से कैबिनेट ने मंजूरी दे दी हुई है ये एच के पास अटकी हुई हैं तो एच के साथ साथ आपको इसमें एन की पोस्ट जो है वो देखने को मिल सकती है ई टी की पोस्ट भी आपको देखने को मिल सकती है तहसील वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट भी देखने को मिल सकती है तो इन सब में ध्यान में रखना कि पेपर में जो सिलेबस है आपका ऑलमोस्ट सेम है तो अगर आप अभी तैयारी शुरू करते हैं तो सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर ये सभी एग्जामिनेशन जो हैं वो आपके हो जाने हैं और आप फिर उसके बाद अगर आप अभी नहीं करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा बर्डन आपके ऊपर बनेगा ठीक है तो और hplite.in का अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी Nimbus career ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर इस 78148462 पर कॉल कर सकते हैं hp स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जूनियर क्लर्क का hp दैट इज द ऑनलाइन रिकॉर्डेड बैच जो हमारा ये आज से स्टार्ट हुआ है तो जो बच्चे इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं ऑलरेडी 100 स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको ज्वाइन जो है वो कर चुके हैं तो अगर आप अभी भी लेट कर रहे हैं तो ये पेपर मिड मई में इन्होंने खुद लिखा है कि मिड मई में आएगा तो बहुत अच्छे तरीके से लाइव डाउट सेशंस के साथ आपके डाउट्स लिए जाते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट और पीडीएफ नोट्स आपको इसमें दिए जाएंगे टेस्ट सीरीज आल्सो इन्वाल्व इन दिस तो 14 मार्च से आज से ये स्टार्ट है तो सेवन एट वन फोर एट फोर सिक्स पर आप कॉल कर सकते हैं अगर आप इसके रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप जब मर्जी कॉल कीजिए ठीक है तो आज के लिए इतना ही थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट